नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वीके में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मोड के समथर कस्बे में कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आयुर्वेद अस्पतालों में विशेष रूप से दवाएं भेजी गई हैं। कस्बा के आयुर्वेद अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से आयुष किट उपलब्ध कराई गई है। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं उनके लिए आयुर्वेद की दवाएं भी विशेष रूप से कारगर हैं। होम आइसोलेट किए गए मरीजों को आयुष किट अन्य दवाओं के साथ घर पर ही उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए बहुत सी आयुर्वेद दवाइयां बांटी गई हैं। टैबलेट चूर्ण के अलावा बुखार, जुकाम, खांसी, शरीर के दर्द आदि की दवाएं लोगों को दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अंग्रेजी दवा के साथ आयुर्वेद की दवाओं का भी उपयोग करना चाहिए, इससे लोगों के बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद बढ़ जाती है। आयुर्वेद में शासन की मंशा अनुरूप आयुष 64 टैबलेट है, जो हल्के फुल्के बुखार हो और थोड़ा सा अगर गले में खराश है और एंटीबायोटिक का काम करती है, वो ये है आयुष 64। दूसरा अगस्त तरीक की अपडेट जो है फेफड़ों को मजबूत करता है और श्वास, खांसी, जुकाम की जो भी समस्या आती है उसको ये बहुत अच्छे से ख़त्म करता है। तीसरी चीज़ है संसमनी बटी। ये संसमनी बटी जो है ये गिलोय से बनाई गई है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत मजबूत होती है। और चौथा इसमें जो है ये गाया है अरुण तैर को जो है नाक में दो दो बूंद डालने से इसको हमें ऐसे कमरे में डालना कि जहाँ पर पंखा कूलर ना चल रहा हो। अरुण तैर को अगर हम नाक में डालने से होता क्या है कि अगर कोविड का वायरस या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नाक में अगर जाता है तो ये नाक में उसको रोकने की क्षमता रखता है। ये सुबह शाम चाय की तरह इसको बनाएंगे, एक कप पानी में एक चम्मच डाल के इसको उबालना है, छान कर इसको सुबह शाम पीना है। इससे होगा क्या कि गला हमारा सुरक्षित रहेगा। और कोविड के बारे में सबसे खास बात आपको बता दें, कोविड का वायरस गले और नाक से संक्रमण करता है। अगर हमारा गला और नाक जो उसका प्रवेश द्वार है अगर ये हमारा सुरक्षित है, ये मजबूत है, तो कोविड वायरस जो हमारा फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए आयुर्वेदिक दवाइयां आप बिल्कुल अगर शुरुआत से लेना शुरू कर देंगे, पहले दिन से ही अगर आपको थोड़े लक्षण आते हैं। मोड से यशपाल सिंह रिपोर्ट।